असम में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई है। ऐसे में शिवराज सरकार ने कहा किसानों के नुकसान की 100% भरपाई की जाएगी। किसान अपना लोन 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे और एक माह की अवधि का ब्याज सरकार भरेगी। शिवराज सरकार ने किसानों के हित में कुछ फैसले किए हैं। कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम किसानों की प्राकृतिक आपदा से हाल ही में हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी 6-4 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अनेकों सौगातें दी हैं। किसानों को खरीफ फसल की अल्पकालीन राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। अब किसान उतना ही जमा करेगा जितना उसने कर्ज लिया था, उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। एक महीने का पूरा ब्याज सरकार भरेगी, जिससे किसान फिर 0% ऋण लेने का हकदार बना रहेगा। मंत्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में किसानों को सिंचाई परियोजना का लाभ पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी से पानी को लिफ्ट करने का निर्णय लिया गया, जिससे हरदा, खंडवा, डिंडोरी, शहडोल, सीहोर सहित कई जिलों की भूमि सिंचित होगी। आज का दिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशी और ऐतिहासिक दिन है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन्हें अनेक सौगातें किसानों को दी है, जहां एक और फसल खराब हुई थी उसके लिए आरबीसी 6-4 और फसल बीमा कर क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है, वहीं किसानों को जो आज आखिरी तारीख थी 28 तारीख रबी का अल्पकालीन जमा करने की 0% ब्याज, ताकि उनको कोई ब्याज ना लगता, जितना लिया उतना ही भरना पड़ता, लेकिन आज के बाद अगर किसान भरता तो उसको पूरा ब्याज लगता, और इसलिए एक महीना पूरा 30 अप्रैल कर दी गई है अंतिम तारीख। एक महीने में किसान 30 अप्रैल तक जो जमा कराएंगे उसका ब्याज सरकार भरेगी एक महीने का, और इस प्रकार किसान को 0% ऋण लेने के लिए पात्रता हो जाएगी। साथ ही आज नर्मदा नियंत्रण मंडल की 119वीं बैठक थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने अनेक सिंचाई परियोजना जो नर्मदा जी से पानी लिफ्ट करके ले जाएंगे उसमें किए, जिसमें हरदा, खंडवा, डिंडोरी और शहडोल, श्योपुर, सीहोर अनेक जिलों की हजारों हेक्टर जमीन सिंचित होगी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आज हमने प्रशासन की स्वीकृति दी है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से बधाई देता हूँ। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।